क्लैश स्क्वाड रैंक। वैसे तो ग्रैंड फ्री फायर गेम में एक्टिव कैरेक्टर की एबिलिटी की कमी नहीं है, लेकिन आज के वीडियो में बात करने वाले ग्रैंड फ्री फायर गेम के अंदर बेस्ट एंड मोस्ट यूज्ड एक्टिव स्किल कैरेक्टर एबिलिटी इन क्लैश स्क्वाड के बारे में। अब आप लोग तो मैक्सिमम लोग वुकोंग का यूज करते होंगे और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को होमर कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हुए देखा होगा, लेकिन जो नंबर वन पे है ना वो इनमें से कोई कैरेक्टर की एबिलिटी है ही नहीं। चलो गाइस देखते हैं क्लैश स्क्वाड में डेली यूज होने वाले मोस्ट यूज कैरेक्टर कौन से हैं, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हो क्लैश स्क्वाड में। और अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लैश स्क्वाड रैंक के ऊपर। यार मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो हेलो वालों, कैसे हो, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हो GW मनीष यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे आप लोग शुरू करते हैं नंबर 5 से। अब गाइस फिफ्थ नंबर पे आता है वो है आलोक कैरेक्टर। ये बेस्ट भी है और बहुत ज्यादा यूज करने वाला कैरेक्टर भी है क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर। हां गाइस मुझे ये पता है कि आज के टाइम पे आलोक की जो एबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, बहुत ज्यादा न्यूट्रल करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों की खुशखबरी ये है कि शायद OB40 अपडेट में हम लोगों को इलाइट आलोक कैरेक्टर देखने मिलने वाला है, जिसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो पहले से बना रखी है, अगर आप लोग चाहो तो जाके उसको देख सकते हो। अब गाइस आज के टाइम पे आलोक को ज्यादा यूज करने का एक ही रीजन है, वो है आलोक खुद, क्योंकि आलोक कैरेक्टर ने एक इमोशन बन चुका है लोगों के लिए। और वैसे तो यार मुझे पता है आप लोगों से बहुत कम ही लोग है जो कि आलोक का यूज करते हैं, लेकिन मेरे को पता है जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं ना उसमें से बहुत से लोग यूज करते हैं। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग में से कौन कौन इस आलोक कैरेक्टर का यूज करते हैं। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के कैरेक्टर की तरफ। तो गाइस फोर्थ नंबर पे आता है सेंटिनो कैरेक्टर। अब गाइस आप सभी लोगों को सेंटिनो की एबिलिटी तो पता ही है, मुझे आप लोग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सेंटिनो की एबिलिटी क्या है। और आज के टाइम पे काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो कि सेंटिनो की एबिलिटी यूज करके हमें यार बहुत अच्छा जूतिया बना लेते हैं। इस कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करके आप अपने एनिमी को काफी अच्छे चकमा दे सकते हो। एंड जब आप सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हो, सामने में जो पुतला आता है उसकी खुद की एचपी 200 होती है गाइस। तो आपके जो एनिमी है वो सेंटिनो के पुतलों को मारेंगे तो उसे 200 का डैमेज देना पड़ेगा, तब जाके सेंटिनो का जो पुतला है वो फूटता है। और इसका कूलडाउन सेकंड भी कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 80 सेकंड का है। तो आप ऑलमोस्ट हर क्लैश स्क्वाड के मैच में, हर क्लैश स्क्वाड के राउंड में इसे यूज कर सकते हो। आप सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। गाइस थर्ड नंबर पे आता है होमर कैरेक्टर। अब गाइस पहले आपको होमर कैरेक्टर की एबिलिटी बता देता हूं। ये एक ड्रोन छोड़ता है जिसे मैं अपने प्यार से भाषा में हवाई जहाज भी कहता हूं या फिर एरोप्लेन भी कहता हूं, और या तो इसमें हेलीकॉप्टर भी बोल देता हूं। अब इसके एक्टिव एबिलिटी यूज करने के बाद 100 मीटर के अंदर जो सबसे पास बंदा होता है उसके ऊपर ड्रोन चला जाता है, और वो ड्रोन सामने वाले बंदे के 60% मूवमेंट स्क्रीन को डिक्रीज कर देता है, रेट ऑफ फायर को 35% माइनस कर देता है, एंड टोटल 5 सेकंड तक के लिए रहता है। और मजे की बात तो ये ड्रोन पड़ने के बाद जो एनिमी की एचपी 25 HP खाली हो जाती है, और कूल डाउन सेकंड थोड़ा सा ज्यादा है सेंटिनो के मुकाबले, वो है 90 सेकंड का कूल डाउन सेकंड। गाइस अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एक्टिव एबिलिटी की तरफ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट यूज्ड है। इससे ज्यादा यूज होने वाला कैरेक्टर आई डोंट थिंक जो क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर कोई भी यूज करता होगा, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है भाई, चलो वो भी आपको बताता हूं। गाइस सेकंड नंबर पे आता है वो है अपना वुकोंग। गाइस वुकोंग के बारे में क्या ही कहने, ये तो आप सभी को पता है वुकोंग कितना ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। लेकिन यार धीरे-धीरे ग्रैंड फ्री फायर वुकोंग की जो एबिलिटी है उसको माइनस कर रहा है। वैसे कभी-कभी हम जब बस बने रहते हैं तो भी यार हम लोगों को डैमेज लगने लगता है, और कभी-कभी तो बस में भी वन टैप हेडशॉट लग जाता है। बट वुकोंग की बेस्ट एबिलिटी मुझे ये लगती है कि किसी बंदे को मारने के बाद तुरंत हमारा जो एक्टिव एबिलिटी है वो चार्ज हो जाता है। बट गाइस अब वुकोंग को रिप्लेस करने वाला एक कैरेक्टर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल उस ऑल से सेट कर लो। तो गाइस बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के एक्टिव एबिलिटी की तरफ, जो वन ऑफ द मोस्ट यूज तो नहीं है फिलहाल के टाइम, लेकिन आने वाले टाइम में मोस्ट यूज बन जाएगा, लेकिन ये बेस्ट कैरेक्टर है अभी के टाइम पे एक्टिव एबिलिटी की बात करें तो। गाइस यहां पे बात करूं ओरियन कैरेक्टर की, हाल ही में भी गेम के अंदर आया लेटेस्ट कैरेक्टर प्रोजेक्ट क्रिमसन में। और गाइस ये तो आप सभी को पता है कि है कैरेक्टर हम लोगों को बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है इवेंट की मदद से। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया कि आप कैसे फ्री में ओरियन कैरेक्टर ले सकते हो, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। ये कैरेक्टर की एबिलिटी एकदम ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इसे यूज करने के बाद ये बवंडर का रूप ले लेता है, जिसपे बंदा एम करने के लिए भी चकमक आ जाते हैं। नॉर्मल कैरेक्टर में ईपी होता है वो 200 का होता है, लेकिन ओरियन में 300 का ईपी होगा, और ईपी का कलर रेड होगा क्योंकि वो ईपी नहीं क्रिमसन एनर्जी रहेगा, लेकिन उसके सारे काम ईपी जैसे ही रहेंगे। और गाइस अगर आपको इसकी एबिलिटी यूज करना है तो आपको मिनिमम 150 ईपी चाहिए रहेगा। 5 मीटर के रेंज के अंदर जो भी बंदा रहेगा उसे 15 का डैमेज लगेगा, और आप एक बवंडर बन जाओगे। उस बवंडर में ना सामने वाले बंदे को मार पाओगे, ना ही सामने वाले बंदा आपको मार पाएगा। सच बात कहूं तो क्लैश स्क्वाड में जितना भी यूज किया है भाई, बंदों को दौड़ा दौड़ा के मारा है मैंने तो। और मेरा मानना यह है कि अभी के टाइम पे नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्लैश स्क्वाड में बहुत ही उधम मचाने वाला है, क्योंकि गाइस उसका कूलडाउन सेकंड सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का है। यार फ्री में ओरियन कैरेक्टर मिल रहा है तो लूट लो यार ग्रैंड फ्री फायर को, वरना हो सकता है आने वाले टाइम में डायमंड में देखने मिले या फिर हमारे गेम के अंदर आए भी ना। आप लोग इन 5 कैरेक्टर में से कौन से कैरेक्टर को यूज करते हो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल सेट कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस, जो फिर इन पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।